ये कहानी डायना नाम की लेडी के ऊपर आधारित है, जिसे अपने मर्द को छोड़ के पराए मर्दों के साथ कुत्ता डांस करने में बहुत मजा आता है। उसके बाद वो आगे क्या क्या करती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है ऑल लेडीज डू इट और ये मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम डायना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो रोती रोती किसी को एक लेटर लिख रही थी। और वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसके लिए हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायना का हस्बैंड पाब्लो और उसकी बहन एक पार्टी में थे जहाँ सब लोग आपस में कुत्ता डांस कर रहे थे। लेकिन डायना वहाँ भी लोगों को इधर से उधर देख रही थी। तभी अल्फांसो नाम का एक आदमी डायना के पास आता है और वो डायना से डांस करने के लिए पूछता है। अब क्योंकि डायना बोर हो रही थी इसलिए वो उसके साथ कुत्ता डांस करने लगती है। डांस करते करते अल्फांसो डायना के पपीते को मसाज देने लगता है, लेकिन डायना का हस्बैंड भी वही था इसलिए डायना बाथरूम में चली जाती है। लेकिन अल्फांसो का भी दिल नहीं मानता और वो डायना के पीछे उसके साथ बाथरूम में चला जाता है। टॉयलेट में अल्फांसो डायना को जाने जिगर जाने मन करने लगता है और डायना भी उसे पूरे मजे देने लगती है। अल्फांसो जैसे ही अपना स्पाइडरमैन डायना की मौत के कुएं में देने वाला था तभी वहाँ उसका हस्बैंड पाब्लो आ जाता है और गेट लॉक करने पे अल्फांसो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। टॉयलेट में किसी को ना देख के पाब्लो डायना के साथ घर जाने लगता है। कार में बैठ के डायना पाब्लो को अपनी मौत के कुएं की आग बुझाने के लिए बोलती है ताकि वो उससे डांस वाली बात ना पूछे। लेकिन पाब्लो का ध्यान नहीं भटकता और वो उससे पूछता है कि जिसके साथ तुम पार्टी में डांस कर रही थी वो आदमी कौन था, जिसपे डायना उसे बताती है कि उस आदमी का नाम अल्फांसो था और वो एक बहुत अच्छा आदमी है। और ये बात सुनने के बाद पाब्लो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पाब्लो उसे बोलता है कि अगर वो इंसान इतना ही अच्छा था तब तो तुम्हें उसके साथ गवागप कर लेना चाहिए था। जिसपे डायना उसे बोलती है कि मैं अपने मौत के कुएं में उसका स्पाइडरमैन डलवाने के लिए गई थी लेकिन तुम वहाँ बीच में टपक गए जिसकी वजह से हम दोनों का पूरा मजा खराब हो गया। जिसपे पाब्लो को लगता है कि डायना ये सब कुछ उसे जलाने के लिए कह रही है। और ये सब सुनने के बाद पाब्लो के अंदर इमरान हाशमी की आत्मा आ जाती है और रास्ते के साइड में वो कार रोक के डायना की बजाने लगता है। अगले दिन डायना पाब्लो की स्पाइडरमैन की मसाज कर रही थी ताकि वो सुबह सुबह चरम सुख का आनंद ले सके। तभी पाब्लो भी जल जाता है और वो दोनों सुबह सुबह बेड पे ही टॉम एंड जेरी का खेल शुरू कर देते हैं। तभी पाब्लो का अलार्म बजता है और वो जल्दी से तैयार होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डायना उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी सीन स्विच होता है और हम डायना को एक बस में देखते हैं जो अपने जॉब पे जा रही थी। अब क्योंकि डायना देखने में बहुत ही कमाल थी इसलिए उस बस में बुढ़े से लेकर जवान तक उससे मजे लेने लगते हैं और डायना भी उन सब लोगों की सेवा पानी करती है। तभी ड्राइवर ब्रेक मारता है और डायना हट के साइड में खड़ी हो जाती है लेकिन वहाँ पे भी एक बंदा उसके पीछे खड़ा हो जाता है और मौका देखते के साथ वो अपना स्पाइडरमैन डायना के मौत के कुएं में घुसाने लगता है जिसके कारण डायना चिल्ला देती है और सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। तभी डायना वहाँ बस से उतर जाती है और वो एक छोटी कपड़े की दुकान पे चली जाती है जहाँ डायना जॉब करती थी। वहाँ क्लेलो नाम की लेडी भी काम करती थी जहाँ उसका अफेयर वहीं के ओनर सिल्विया से था। तभी सिल्विया वहाँ आता है और वो आते के साथ ही क्लेलो की बजाने लगता है जिसे डायना भी बहुत देर से देख रही थी। तभी सिल्विया डायना के पास जाता है और बोलता है कि नादिया तुम्हारी बहन तुमसे मिलने के लिए आई है और नादिया डायना से बताती है कि तुम्हारी आंटी एमा की डेथ हो गई है और ये बात डायना अपने हस्बैंड पाब्लो को बताती है। और जैसे ही पाब्लो ये बात सुनता है तो वो सोचता है कि मुझे आज ही डायना के साथ गवागप करना चाहिए, जिसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ के रोमांटिक फिल्म देखने लगते हैं और देखते ही देखते पाब्लो का स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है जिसके बाद पाब्लो डायना के साथ वहीं पे लुंगी डांस करने लगता है। अगले दिन डायना जब फ्यूनरल के लिए जा रही थी तो ट्रेन के अंदर भी एक बंदा उसके मौत के कुएं में उंगली डालने लगता है जिसे डायना कुछ भी नहीं कहती। और फ्यूनरल खत्म होने के बाद डायना एक मीटिंग में जाती है जहाँ डायना को पता चलता है कि उसकी आंटी के कोई भी बच्चे नहीं थे जिस वजह से उसकी आंटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी डायना के नाम कर दी थी। जब डायना अपनी आंटी के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंटी एक गवागव स्टार थी और उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी बस उसी पैसों से बनाई थी। उसके बाद डायना पाब्लो के साथ अपनी आंटी वाली फिल्म देखने लगती है लेकिन फिल्म देखने के बाद भी पाब्लो का स्पाइडरमैन खड़ा नहीं होता। तब डायना उसे बताती है कि जब मैं फ्यूनरल में जा रही थी तब किसी बंदे ने मेरी मौत के कुएं में उंगली डाला था और उसे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और जब मैं टॉयलेट में गई थी तो मैं गवागव करने ही वाली थी लेकिन उस टाइम भी तुम वहाँ आ गए। और वो पाब्लो से बताता है कि मैं अल्फांसो के घर में गई थी जहाँ अल्फांसो ने मुझे एंटीक कलेक्शन दिखाया था। जहाँ पाब्लो को लगता है कि डायना बस मेरे स्पाइडरमैन को जगाने के लिए ये सब बोल रही है जिससे पाब्लो का स्पाइडरमैन जाग जाता है और जैसे ही वो डायना का सर नीचे करता है तो उसकी गर्दन पे उसे हाइकी दिखता है जो किसी और के साथ गवागव करने के बाद ही आते हैं, जिसे देखने के बाद पाब्लो का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और वो गुस्सा
गुस्से में डायना को एक थप्पड़ मारता है और वो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन ये सारी बातें डायना अपनी बहन नादिया को बताती है, जिसमें उसकी बहन डायना से बोलती है कि तुम पाब्लो को छोड़ दो, तुम काफी खूबसूरत हो और तुम्हें इससे भी अच्छे अच्छे आदमी मिल जाएंगे। एक्चुअल में वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो खुद भी पाब्लो को लाइक करती थी, इसलिए नादिया सोचती है कि क्यों ना इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाया जाए। और शाम को नादिया तैयार होकर पाब्लो के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि डायना तुम्हारे लायक नहीं है और वो हमेशा तुम्हें चीट करती है। बातों ही बातों में वो पाब्लो को पिघलाना चाहती थी, लेकिन पाब्लो उसकी बातों से नहीं पिघलता और वो नादिया को वहाँ से साफ साफ निकल जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद नादिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और डायना को अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ पार्टी में सब कुत्ता डांस कर रहे थे और वहाँ डायना की सभी फ्रेंड भी डांस कर रहे थे, जिसके बाद डायना भी अपना मूड ठीक करने के लिए ड्रिंक कर लेती है, लेकिन ड्रिंक में उन लोगों ने गोली मिलाई थी जिसके कारण डायना अपने होशोहवास खो देती है। तभी वो डांस करते करते पाब्लो को फोन करती है और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है और बोलती है कि मैं अभी चार बंदों के साथ गपागप कर रही हूँ और तुम मेरे लायक नहीं हो। सब लोग मिलकर डायना की बजा रहे थे लेकिन डायना किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके बाद डायना फिर से पाब्लो को फोन करती है और बोलती है कि तुम चूतिया हो और तुम मुझे वो खुशी कभी नहीं दे सकते जो मुझे ये तीन लोग मिलकर दे रहे हैं, और आज तक जो बातें मैंने तुम्हें पहले बताई थी वो मैंने तुम्हें जलाने के लिए नहीं बल्कि वो सब बातें सच है। ये सारी बातें डायना नशे में बोल रही थी और अगले दिन जब उसका नशा उतरता है तो उसे एहसास होता है कि कल रात उसने नशे की हालत में क्या बोला था। उसके बाद डायना को खुद में काफी ज्यादा गिल्ट फील होती है और ये मूवी का प्रेजेंट सीन है जिसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। वो पाब्लो को एक सॉरी लेटर लिख रही थी और दूसरी तरफ पाब्लो भी अंदर से टूट चुका था, क्योंकि भले ही वो दोनों एक दूसरे की इज्जत ना करते हो लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और किसी भी कीमत पे वो दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। पाब्लो अपना दिल हल्का करने के लिए बीच पर जाता है जहाँ उसे समझ आता है कि वो डायना के बिना नहीं रह सकता, जिसके बाद वो डायना से मिलकर उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो दोनों ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, जिसके बाद वो दोनों आपस में गवागप करते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ ठीक होने के बाद ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और गाइस, ये मेरा नया चैनल है जिस पर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।